हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस पर सीरीज चल रही है, जिसमें पिछली बार आपने जाना था कि पेंक्रेटाइटिस क्यों होती है, क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। इस बार की वीडियो में अपन जानेंगे कि क्या जाँच करवाई जाए जिससे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का सही निदान हो सके, तो इसी के बारे में अपन जानेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लक्षण, जैसे कि अपन ने पहले जाना था कि कुछ कार्डिनल लक्षण होते हैं जिससे वो ये बताते हैं कि मरीज कहीं पेंक्रेटाइटिस की तरफ तो नहीं जा रहा है। जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में, जिसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं या कलेजा कहते हैं, उसमें दर्द हो और पेट में दर्द पीछे की तरफ जा रहा हो, बहुत तेज मात्रा का दर्द हो, बहुत तीव्रता का दर्द हो और साथ में उल्टी हो, जी मिचलाहट हो या बुखार हो, पीलिया हो, तो पेंक्रेटाइटिस की शंका बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में है जो कार्डिनल जो एंजाइम्स हैं, जैसे पिछले अपन ने जाना था कि जो एक्सक्रीन पार्ट है पेंक्रियाज का, वो तीन तरह के एंजाइम सिक्रेट करता है, उसमें एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज था। लेकिन जब पेंक्रेटाइटिस हो जाती है तो एमाइलेज और लाइपेज की मात्रा खून में बढ़ जाती है। अमूमन ये देखा गया है कि जब इनकी नॉर्मल से या सामान्य से 3 गुनी मात्रा लाइपेज और एमाइलेज की बढ़ जाती है तो पेंक्रेटाइटिस की शंका बढ़ जाती है। लेकिन ये भी पाया गया है कि एमाइलेज ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, और सारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उनमें भी एमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है, जैसे पेट की आंतों में रुकावट, कोलिसिस्टाइटिस और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक नहीं होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े दिन के लिए ही ब्लड में रहता है, फिर वो फेडअप हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज 24 से 48 घंटे के बाद बढ़ने लगता है ब्लड में और 12 दिन तक रहता है, और इसका लेवल अगर सामान्य से 3 गुना ज़्यादा हो तो पेंक्रियाटाइटिस का सस्पिशन आ जाता है। ख़ासतौर से जो एल्कोहलिक टाइप की पेंक्रियाटाइटिस होती है उसमें ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। फिर और दूसरे टेस्ट हैं, उनके बारे में अपन जान रहे हैं। तो सबसे और इम्पोर्टेंट टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो SGOPT SGPT हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी मात्रा अगर बढ़ी हुई पाई जाती है तो ये बताता है कि बिलियरी टाइप की पेंक्रियाटाइटिस की संभावना ज़्यादा है। फिर उसके बाद में CBC टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उससे पता लग जाता है कि मान लो जो WBC है उसकी मात्रा बढ़ रही है और TLC 12,000 से ज़्यादा है, तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन लग कर रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद में है जो अदर टेस्ट हैं, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट है, मान लो क्रिएटिनिन का लेवल 2 mg/% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो ये दिखाता है कि मरीज सीवियर टाइप की एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की तरफ बढ़ रहा है। साथ में मान लो कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो वो डायग्नोस्टिक भी है और ये भी बताती है कि कौन सी तरह की पेंक्रियाटाइटिस उसको हो सकती है। साथ में आर्टेरियल गैस है, जे BUN है, LDH है, वो भी उसको सीवियरिटी जानने में मदद करती है। फिर अपन जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उनको जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडिशनल है वो है एक्सरे कीलिंग या एक्सरे फ्लैट प्लेट एब्डोमेन। तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कोई यूजफुल टेस्ट नहीं रहा है, उसे केवल मान लो कोई हॉलो विस्कस का परफोरेशन हो गया, आंखों में छेद हो गया, तो गैस अंडर डायफ्राम मिल जाती है, बाकी इसकी ज़्यादा कोई यूज नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है आज की तारीख में वो है सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो उससे क्या है कि जो मान लो गाल स्टोन में स्टोन है, पित्त की थैली में पथरी है, पित्त की नली में पथरी है, तो उनका पता लग जाता है, तो अपन सस्पिशन बढ़ जाता है कि उसको बिलियरी टाइप की पेंक्रियाटाइटिस है। फिर उसके बाद में जो और इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी। एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी में क्या होगा, जो मान लो बहुत स्मॉल लिस्टों से, माइक्रो लिस्ट से उनका पता लग जाता है, और पूरी एम्पुलरी इडिमा है या पेंक्रियाज की तरफ कोई सूजन आ रही है उसके बारे में भी उसका पता लग जाता है। फिर उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है ट्रिपल फेज CT या कंट्रास्ट CT। कंट्रास्ट CT एक तरह से गोल्डन टेस्ट है, मतलब डायग्नोस्टिक है, फुल डायग्नोस्टिक है। सोनोग्राफी और CT, ट्रिपल फेज CT मिला के इसको गोल्डन टेस्ट
टेस्ट कहलाते हैं, गोल्डन टेस्ट है, जिससे पूरी फुल डिटेक्शन उसमें हो जाता है। तो उससे मालूम पूरे पूरे इडिमा है, नेक्रोसिस है, एब्सिस फॉर्मेशन है, स्यूडोसिस्ट फॉर्मेशन है, तो उसका सबका डिटेक्शन हो जाता है। तो फिर उसके बाद में MRI या MRCP, जब मान लो किसी को कंट्रास्ट से एलर्जी है, CT उसमें कंट्रा इंडिकेटेड है, या CT नहीं हो सकती है, तो ऐसे टेस्ट में MRCP इंडिकेटेड। फिर लास्ट में जो टेस्ट बचा था ERCP, कोलेंजियोपैंक्रियोग्राफी। तो उसमें क्या है कि वो एक तरह इसका रिजर्व टेस्ट है। अपन ने पिछली बार जाना था कि कोई भी मान लो स्मॉल ट्रोमा हो तो वो भी पेंक्रियाटाइटिस को प्रेसिपिटेट करता है। मान लो कोई स्टोन नीचे एम्पुला बीटर में आ गया है या पेंक्रियाटिक डक्ट में आ गया है, तो ये थेरापीटिक भी टेस्ट हो सकता है। ये लास्ट के लिए टेस्ट रिजर्व रखा जाता है। तो आज इसे करके अपन ने जो कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो या रूटीन की टेस्ट हैं उनके बारे में जाना है। अगले एपिसोड में अपन जानेंगे इसी सीरीज में कि उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मेडिकल क्या ट्रीटमेंट होगा और सर्जिकल क्या ट्रीटमेंट होगा, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी इसमें लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।